हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हॉस्पिटल में उपयोग में लाए जाते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ आईवी इंट्रावेनस फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मेनली कौन कौन से आते हैं, जो मेनली मीन्स क्या मतलब जो हम ज़्यादा उपयोग करते हैं खास करके, तो इसमें NS नॉर्मल सेलाइन, DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, D5 D10 D25 सॉल्यूशन, इट मीन्स डैट मतलब डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 25% का सोल्यूशन होता है। RL रिंगल लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और मैनिटॉल सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर क्या है, NS नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन में क्या है इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है, कंटेंस 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। नॉर्मल सेलाइन का कंपोजिशन क्या होता है, ये जो है 0.9% क्या कंटेन करता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्रत्येक ml में, प्रत्येक 100 ml पे कंटेन करता है। नेक्स्ट इसका यूजेज, हम इसका उपयोग किस किस चीज़ में करते हैं, तो फर्स्ट है डिहाइड्रेशन में मतलब लॉस ऑफ वाटर, अगर पानी की कमी हो गई किसी के शरीर में। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, अगर ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस हो चुका है शरीर में, ब्लड का और फ्लूइड का कमी है इसके लिए। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर वुंड वॉशिंग, अगर किसी को चोट या जख्म है, किसी चीज़ का घाव है तो उसको वॉश करने के लिए। नेक्स्ट है यूज टू गिव इंजेक्शन, और हम इंजेक्शन देने के रूप में भी NS का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल सेलाइन का उपयोग हम इंजेक्शन देने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके NS के डोज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम कितना डोज किसी पेशेंट को दे सकते हैं, तो 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स मतलब एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना दे सकते हैं, 3 से 4 बोतल्स एक पेशेंट को हम नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। नोट में क्या दिया गया है NS का, नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट्स, मतलब ये जो है अगर कोई पेशेंट जो है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन मतलब क्या उसका BP जो है सो इंक्रीज किया हुआ है, तो उस पेशेंट को हम NS नहीं चढ़ाएंगे। नेक्स्ट है दूसरा नंबर DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या आता है, कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या है, कंटेंस 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl, ये भी जो है 0.9% वेट पर वॉल्यूम क्या कंटेन करता है, NaCl, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज और 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी कंटेन करता है प्रत्येक 100 ml सोल्यूशन में। DNS के प्रत्येक 100 ml में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है और 5 ग्राम क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है। इसका यूजेज क्या है, डिहाइड्रेशन, हम इसका उपयोग किस किस में करेंगे, डिहाइड्रेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर, मतलब लॉस ऑफ वाटर में करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, ब्लड और फ्लूइड लॉस अगर हमारे बॉडी से होता है इसमें भी हम DNS का उपयोग कर सकते हैं। लो ब्लड शुगर, अगर लो ब्लड शुगर है मतलब ब्लड में जो है शुगर का मात्रा मतलब हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का मात्रा जो है अगर डिक्रीज कर जाता है, कम जाता है, तो भी हम DNS का उपयोग करते हैं। और यूज इन इंसुलिन शॉक, और इंसुलिन शॉक में भी क्या जाता है, इंसुलिन शॉक क्या होता है, जब जो है इंसुलिन का मात्रा हमारे ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉक कहते हैं। नेक्स्ट है डोज, इसका डोज कितना होता है, तो मैक्सिमम हम 3 to 4 बोतल जो है सो 24 आवर में किसी पेशेंट को दे सकते हैं। डेक्सट्रोज DNS का, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन का हम 3 to 4 बोतल 24 आवर के बीच में हम देते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर डेक्सट्रोज, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं NS और DNS कंप्लीट हो गया मेरा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है, तो इसका कंपोजिशन का अगर हम बात करें तो इट इज मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन, ये जो है सो किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, डेक्सट्रोज का भी होता है, मतलब डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हम दूसरे शब्द में इसको क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। तो D5 हम पहले लिखे थे D5 D10 D25, देखिए D5 का मतलब क्या होता है, 5 ग्राम पर 100 ml, मतलब इसमें क्या है कि 100 ml में जो है सो 5 ग्राम क्या है, डेक्सट्रोज है। D10 का मतलब 10 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml में, D25 का मतलब 25 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका यूजेज क्या होता है, तो यूजेज में है इन वीकनेस, कमजोरी के समय हम डेक्सट्रोज का उपयोग कर सकते हैं, और किस चीज़ में, टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस, और बॉडी का फ्लूइड अगर लॉस हो जाता है उसमें भी हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, डेक्सट्रोज का उपयोग करते हैं। और इसके अगर डोज के बारे में हम बात करें तो इसका डोज कितना होता है, मैक्सिमम 3 to 4 बोटल्स इन 24 आवर्स, ये भी जो है सो हम 24 आवर के बीच में कितना अधिक से अधिक दे सकते हैं, 3 to 4 बोटल जो है हम 24 आवर में हम
चढ़ा सकते हैं। नोट, इसका एक नोट है। नोट क्या है? शुगर के मरीज को डेक्सट्रोज नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट है, जिस पेशेंट को डायबिटीज है, शुगर का बीमारी है, शुगर इंक्रीज किया हुआ उसका, तो उसे हम क्या नहीं देंगे? डेक्सट्रोज कभी नहीं देंगे। क्योंकि डेक्सट्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और ज़्यादा शुगर होता है। अगर हम उसको देंगे तो वो शुगर और ज़्यादा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आरएल। चार नंबर क्या है? चौथा आरएल, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। इसका दूसरे नाम से हम किस किस नाम से जानते हैं? सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और एंड हार्टमैन सॉल्यूशन। सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ NaCl। ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का, सोडियम लैक्टेट का, पोटासियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का इन वाटर। वाटर में ये NaCl का, सोडियम लैक्टेट का, पोटासियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो इसका यूजेज किस चीज़ में करते हैं हम? डिहाइड्रेशन में, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस अगर हो जाता है तो करते हैं टू रिकवर बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस। अगर बॉडी फ्लूइड और ब्लड लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से तो इसमें हम करते हैं किसका उपयोग? आरएल का करते हैं। यूज इन ब्लड, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन और अगर किसी का बीपी लो हो गया है तो उसमें भी हम आरएल का उपयोग करते हैं। अगर हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी जो है सो लो कर जाता है तो उसमें आरएल का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या उपयोग है इसका? न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन की भी अगर कमी हो जाती है तो उसमें भी हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? आरएल का उपयोग करते हैं। इसका डोज कितना होता है? 1-2 बोटल्स इन 24 आवर्स। 24 आवर में जो है सो हम 1-2 बोटल उसे पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्या है? मैनिटॉल सॉल्यूशन। मैनिटॉल सॉल्यूशन क्या होता है? मैनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैनिटॉल सॉल्यूशन या इसका दूसरा नाम है डायूरेटिक सॉल्यूशंस। इसका कंपोजिशन क्या होता है? ईच 100 ml सॉल्यूशंस कंटेन 20 ग्राम मैनिटॉल्स। प्रत्येक 100 ml में जो है इनका सॉल्यूशन जो है उसमें 20 ग्राम क्या होता है? मैनिटॉल होता है। इसका उपयोग क्या होता है? यूज इन ओलिगो यूरिया, मतलब लो यूरिन प्रोडक्शन। अगर यूरिन का प्रोडक्शन जो है लो होता है तो उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? मैनिटॉल का। मैनिटॉल का उपयोग करके हम यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। यूज इन ओएडिमा, और एडिमा में भी मतलब कि स्वेलिंग अगर हो जाता है बॉडी में, स्वेलिंग दैट इज कॉज्ड बाय फ्लूइड ट्रैप्ड इन आवर बॉडी टिश्यू। एडिमा क्या होता है? एडिमा में होता है क्या है कि हमारा जो बॉडी का फ्लूइड टिश्यू जो होता है, बॉडी का ऊतक जो होता है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है? वहाँ पे स्वेलिंग होता है, वो फूल जाता है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।